देखी जी, यूपी सरकार के मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, संसद में मेरे साथी श्री विजय कुमार दुबे जी, विधायक श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, विभिन्न देशों के राजदूत, राजनयिक, अन्य जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट का कुशीनगर में उतरना इस पुण्य भूमि को नमन करने की तरह है। इस फ्लाइट से श्रीलंका से आए अति पूजनीय महासंघ और अन्य महानुभाव आज कुशीनगर बड़े गर्व के साथ आपका स्वागत करता है। आज एक सुखद संयोग ये भी है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रेरणा से आज देश सबका साथ लेकर, सबके प्रयास से सबका विकास कर रहा है। साथियों, कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यहां से बहुत दूर नहीं है। अभी ज्योतिरादित्य जी ने इसका काफी वर्णन किया है, लेकिन फिर भी मैं उसका पुनरावर्तन इसलिए करना चाहता हूं कि देश के हर कोने में एक क्षेत्र का ये सेंटर पॉइंट कैसे है ये हम आसानी से समझ पाए। कपिल वस्तु भी बिल्कुल पास में ही है। भगवान बुद्ध ने जहां पहला उपदेश दिया वो सारनाथ की भूमि भी 100-250 किलोमीटर के दायरे में ही आ जाती है। जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया भी कुछ ही घंटों की दूरी पर है।
ऐसे में ये क्षेत्र सिर्फ भारत के ही बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया ऐसे अनेकों देशों के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा श्रद्धा का और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। भाइयों और बहनों, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट